एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे दिल्लीमध्ये एससी कमिशनकडे त्यांनी तक्रार केलेली आहे। दरम्यान आपण त्यांची तक्रार ऐकून घेतली आहे। आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष विजय संपला यांनी दिली आहे। या संदर्भात महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं। बनावट जात प्रमाणपत्र दाखवून नोकरी मिळवल्याचा आरोप त्यांच्या विरोधात करण्यात आलाय। नवाब मलिकांनी हे आरोप केले। हमने 29/10 को एक नोटिस, पहले जैसा कि मीडिया को जानकारी है कि 29/10 को हमने एक इसके विषय पे जानकारी मंगवाई थी चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र सरकार और डीजी और सीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं वहाँ के डायरेक्टर जो हैं उन सबसे हमने एक आईजी जो हैं उनके साथ हमने सबसे एक रिपोर्ट मांगी थी। जो समीर वानखेड़े जी ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने बताया है कि वह अनुसूचित जाति समाज से हैं और उनका महार जाति से उन जब जन्म से वो महार जाति से संबंधित हैं और उस और उन्होंने जब अपनी जॉब भी ली तो उसी आधारित पे ही उसको जॉब आईबी में मिली थी। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब।